वीडियोस देख के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिए हैं और अब आपको लगता है कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। जी हाँ ट्रेडर्स, कैंडलस्टिक को ट्रेड करने का एक अलग ही आर्ट होता है, जिसमें केवल ये जानना जरूरी नहीं होता कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन से हैं, उनको कब ट्रेड करना है, बल्कि हर एक कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी समझना भी जरूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप कैंडलस्टिक ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल कर सकते हैं और जो पैटर्न्स आपने सीखे हैं उस पैटर्न्स पर बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हैं। यानी पैटर्न्स मैं आपको नहीं बताने वाला, मुझे पता है आपको मालूम है क्या हैमर होता है, क्या शूटिंग स्टार होता है, क्या बेयरिश बुलिश एंगल्फिंग होता है। मैं आपको कुछ साइकोलॉजी ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूँ कि कैंडलस्टिक देख के आपको समझना क्या है, और बेसिकली मैं आपको अपना तरीका समझाने वाला हूँ कि मैं कैंडलस्टिक को किस तरीके से अप्लाई करता हूँ अपने ट्रेडिंग में। तो हो सकता है ये तरीका आपके लिए मददगार साबित हो। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं, मैं शुभम आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन द वीडियो बिना किसी बकवास के। सो यहाँ पे एक चीज़ आप समझने की कोशिश करो, आपको क्या लगता है अगर आपने यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक सीख ली कि मार्केट टॉप पे जाए, वहाँ पे जाके कोई शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बने तो मार्केट में डाउनफॉल आ जाता है, सेल कर दो, तो क्या इतना जान लेना काफ़ी है पैसा कमाने के लिए? अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिए और आप चले जाओ वीडियो को छोड़ के अभी, और एक वीक पूरा आप ट्रेड करके आओ शूटिंग स्टार पे कि जहाँ जहाँ शूटिंग स्टार बनेगा आप ट्रेड लेते रहो, तो क्या आपका पैसा बनने वाला है? नहीं बनने वाला है। ऐसा क्यों होता है? आप एक चीज़ सबसे पहली बात समझो कि कैंडलस्टिक सबसे बेसिक पार्ट है। मतलब मैं आप चार्ट सबको चार्ट आपके सामने लेके आता हूँ, सब कुछ डिलीट करके, ये चार्ट है आप देख रहे हो, हर एक जगह कैंडलस्टिक्स बन रही है। और अगर आप चाहो ना तो कम से कम 60-70 टाइप के कैंडलस्टिक्स होते हैं। अगर आप पूरी किताब निकाल लो कैंडलस्टिक वाली, तो हर जगह आपको कोई ना कोई पैटर्न नजर आते रहेगा, हर जगह आपको कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा, और आप हर जगह कुछ ना कुछ ट्रेड में एंट्री करते रहोगे, और ये सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है प्रॉफिटेबल होने के लिए। अगर आप कैंडलस्टिक का प्रॉपर यूज करना चाहते हो ना, तो आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। अच्छा हाँ, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बिलीव मी, यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट और यूजफुल कंटेंट्स मिलने वाले हैं रिगार्डिंग एवरीथिंग अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग। तो देखो, मैं ये कह रहा था कि अगर आपको यहाँ पर कैंडलस्टिक समझना है ना, कैंडलस्टिक को सच में प्रॉफिटेबल बनाना है, तो आपको दो चीज़ें समझना पड़ेगा। टेकिंग ट्रेड बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक, मतलब मैं दो पॉइंट्स बता रहा हूँ, टेकिंग ट्रेड बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक्स, और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग कैंडलस्टिक्स। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या, आप वो समझने की कोशिश करना। अगर मान लो मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनती है इस तरीके से, अगर मान लो मार्केट में इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो दो काम आप कर सकते हो। एक तो यहाँ पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो कि मेरा ये सेटअप है, जब भी ग्रीन कैंडल बनता है मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, इसका जो भी नाम हो, नाम से मुझे यहाँ मतलब है ही नहीं, तो वहाँ पर आप इसको ट्रेड कर सकते हो। दूसरा क्या तरीका है, जैसे ही यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बने, आप कोशिश करो ये समझने की मार्केट की साइकोलॉजी क्या कह रही है यहाँ पे। मतलब ये ग्रीन कैंडल बनी, मतलब यहाँ पर अचानक बहुत बड़े बायर्स आए हुए, तो ये बायर्स क्यों आए हैं, क्या ये बायर्स डाउन ट्रेंड में आए हैं, क्या ये बायर्स अप ट्रेंड में आए हैं, ये कैंडल से आप ये समझने की कोशिश करो कि मार्केट में बायर सेलर्स क्या कह रहे हैं। आपने सुना होगा ना कि मार्केट चेस का गेम होता है, तो ये जो चेस का गेम है इसमें आपको अगले की चाल समझने के लिए कैंडलस्टिक को समझना जरूरी है। तो दो तरीके से आप कैंडलस्टिक का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ ताकि जो मैं बात कह रहा हूँ वो क्लियर हो जाए यहाँ पे। जैसे मान लो मॉर्निंग में सुबह भी यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, और इस जगह पे भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। अब जो आदमी क्या करेगा कि बड़ी ग्रीन कैंडल पे ट्रेड करना मेरा सेटअप है, उसने ये सोच रखा सेटअप है, तो वो ब्लाइंडली मतलब बिना दिमाग लगाए कहीं भी अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी तो वो ट्रेड करेगा ही करेगा यहाँ पे, ये उसका रूल है। तो ये रूल, क्योंकि देखो यहाँ बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर बनी, इस जगह के आसपास बनी, तो दिन में वो 4-5 बार ट्रेड ले लेगा, और उसको प्रॉफिट जो ठीक ठाक होना होगा वो एक ही बार होगा। क्यों? क्योंकि वो स्लेट ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है कैंडलस्टिक को, तो कैंडलस्टिक के पीछे की साइकोलॉजी नहीं समझ रहा है। वहीं जो दूसरा आदमी है जो ये समझता है कि कैंडलस्टिक हमेशा नहीं ट्रेड करनी है, कैंडलस्टिक को मुझे समझना है सबसे पहले, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, उसके लिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिख रहा है, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी है। और जितनी भी प्रीवियस सिचुएशंस थी वहाँ पर कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं बनी थी जहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है उसके बाद बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। तो ये वाली बड़ी ग्रीन कैंडल में और ये वाली बड़ी ग्रीन कैंडल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आप ये दोनों डिफरेंस समझ लो ना, उसी को मैं कहता हूँ कि आप कैंडलस्टिक को समझ रहे हो। और अगर मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कैंडलस्टिक के बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी लानी है ना, तो आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि मैं हर जगह ट्रेड करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं कैंडलस्टिक्स को डिफरेंशिएट करना जानता हूँ, मुझे पता है कि कब कैंडलस्टिक मेरे काम की है कब नहीं है यहाँ पर।
जिस तरीके से देखो कल के दिन पे मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड में बना हुआ था, प्रीवियस लोज नहीं टूट रहे थे, उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया बड़ी ग्रीन कैंडल से, आपने इस बड़ी ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लिया, लेकिन उसके प्रीवियस दिन मार्केट डाउन ट्रेंड था। तो यहाँ पर अगर कोई भी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, ये आपके मतलब की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट ग्रीन कैंडल्स बन रही है, तो हो सकता है यहाँ पर आप इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि आप ट्रेंड फॉलोइंग करते हो, आपको यहाँ पर केवल नेगेटिव कैंडल्स में इंटरेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से आपको कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। अब मैं आपको कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझने के लिए दो तीन पॉइंट्स बताता हूँ। मैंने आपको समझा तो दिया क्या डिफरेंस होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप मेरा तरीका फॉलो करना चाहते हो ना, तो मेरे लिए किसी भी कैंडलस्टिक का नाम मायने नहीं रखता, वो कैंडलस्टिक क्या कहलाती है, वो कैंडलस्टिक कैसी दिखती है, सब कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं कैंडलस्टिक को मैंने जनरलाइज कर रखा अपने लिए, मतलब शूटिंग स्टार बनी है ये बनी है, इस सबसे मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप देखोगे इसको आप शूटिंग स्टार कहोगे, लेकिन इस कैंडल को क्या कहोगे आप, यहाँ पर अगर ये ग्रीन बनी है मतलब टॉप पे ही बनी है, यहाँ पे जाके रेड बनी है तो शूटिंग स्टार हो गई, और टॉप पे जाके ग्रीन कैंडल बनी है तो इसका तो कोई खास नाम आप कह नहीं सकते। यहाँ पे आप ड्रैगन फ्लाई डोजी कह लो, लॉन्ग लेग डोजी कह लो, तो इससे चार पांच छह नाम हो जाते हैं। इससे अच्छा आप जनरलाइज करो, और जनरलाइज मैंने किस बेसिस पे किया है, पहला बेसिस जो मैंने जनरलाइज किया वो कलर के बेसिस पे किया है, कि कैंडल का कलर क्या है। ये तो सबसे सिंपल बात है, अगर कैंडल का कलर रेड है तो वो कैंडल नेगेटिव है, अगर कैंडल का कलर ग्रीन है तो वो कैंडल पॉजिटिव है। दूसरा चीज जो मैंने जनरलाइज करने के लिए यूज किया पैरामीटर, वो है साइज ऑफ बॉडी, जो कैंडल बनी है उसके बॉडी का साइज क्या है। जितना ज्यादा साइज मतलब ग्रेटर द साइज, मतलब आप ये मान लो जो साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर स्ट्रेंथ के। अगर मान लो एक रेड कैंडल बनी है उसका साइज बड़ा है यहाँ पे, तो वहां पे सेलर ज्यादा आए हुए हैं। तो अब मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि ये रेड कैंडल मारुबुजो है या जो भी है, बुलिश एंगल्पिंग है, बेरिश एंगल्पिंग है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरे लिए साइज मैटर करता है, तो मैंने जनरलाइज कर लिया यहाँ पे कि अगर ये साइज बड़ा है तो कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रेंथ आ रहा है उस डायरेक्शन में। और तीसरा चीज जो मैं देखता हूँ वो मैं देखता हूँ बॉडी वर्सेस विक का रेशियो, कि बॉडी कितनी बड़ी बनी है और विक कितना बड़ा बना है, और विक का डायरेक्शन क्या है। ये दो चीज, मतलब ये बॉडी वर्सेस विक रेशियो कह लो, और आप चौथी चीज कह लो जिसको स्टार लिख के लिख देता हूँ मैं, डायरेक्शन ऑफ विक, जो शैडो भी कहते हो आप। मतलब मान लो एक कैंडल अगर ऐसी बनी है यहाँ पे, इसको आप लोग आइडियल शूटिंग स्टार कहोगे, ये आइडियल शूटिंग स्टार है, मान लो ये कलर रेड है यहाँ पे, तो ये विक ऊपर की तरफ बनी हुई है तो आप इसको शूटिंग स्टार कहते हो। लेकिन मैं क्या मान लूंगा, अगर यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बनी है ना, और जिसमें ऊपर विक मान लो है तीन गुना है, मान लो ऊपर 3x है और जो नीचे की विक है वो 1 गुना है, 1x है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी तो ऊपर की विक ज्यादा है ना, तो ऊपर की विक ज्यादा होना मतलब क्या होता है, मार्केट में सेलर्स यहाँ पे ज्यादा है। तो मैंने अपने लिए क्या सिस्टम निकाल रखा है, मैं हमेशा कैंडल को जनरलाइज करके देखता हूँ, मैंने किसी भी कैंडल को स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ है। कभी भी कोई कैंडल बनेगी मैं उसका कलर देखूंगा, उसका बॉडी का साइज देखूंगा, और फिर बॉडी और विक का रेशियो देखूंगा कि बॉडी ज्यादा है, विक ज्यादा है, ऊपर वाली विक ज्यादा है या नीचे वाली विक ज्यादा है। और अगर आप कोई भी कैंडलस्टिक जिसका नाम भी ना हो, उस कैंडलस्टिक को अगर आप उठा के ले आ दो ना मेरे सामने, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ यही सिस्टम यूज करके कि बायर सेलर्स की साइकोलॉजी क्या बता रही है यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ मार्केट गिरा है, इतना ज्यादा मार्केट यहाँ पे गिरा है, गिरने के बाद यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी है, बट इसका कलर ग्रीन है थोड़ा, तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए, इतना कॉन्फिडेंस ना है क्योंकि ये आइडियल नहीं बनी हुई है। लेकिन अगर आप ये जनरलाइज वाला फैक्टर यूज करोगे, तो आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कहीं ना कहीं इस कैंडल में ऊपर की तरफ विक ज्यादा बनी हुई है, बॉडी बहुत छोटी है, मतलब ये कैंडल एक नेगेटिव कैंडल बनी हुई है। इस तरीके से आप सिनेरियो के हिसाब से हर एक कैंडलस्टिक, मतलब इंडिविजुअल कैंडलस्टिक का बिहेवियर समझ सकते हो, बायर सेलर्स की साइकोलॉजी डीप में स्टडी कर सकते हो। तो ये आपको क्लियर रखना है कि आप जनरलाइजेशन यूज करो, कैंडलस्टिक को समझो, ट्रेड तो आपको मिलना ही मिलना है, ट्रेड तो आपको मिल जाएगा। जैसे आप इस जगह के आसपास देखोगे, ये वाली कैंडल आपको थोड़ी हैमर जैसी बनती हुई दिखेगी, ये वाली जो कैंडल है ये आपको थोड़ी हैमर जैसी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि नीचे की तरफ विक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में बना है और मार्केट थोड़ा स्लो हो गया है और डाउन ट्रेंड में ऐसी कैंडल्स बनी, तो इनका इफेक्ट ज्यादा नहीं दिखता है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ चौथी चीज, आपने तीन चार चीजें देख ली, अब एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिसके बारे में शायद आपने थोड़ा मोड़ा सुना भी होगा और इसके बारे में आपको नॉलेज होगी, इसलिए मैं इसको लास्ट में बता रहा हूँ, वो है कि चलो आपने इंडिविजुअल कैंडलस्टिक्स देखना तो समझ लिया, इंडिविजुअल कैंडलस्टिक का क्या बिहेवियर होता है, क्या साइकोलॉजी होता है, आपने समझ गया। लेकिन नेक्स्ट चीज जो मायने करती है वो होता है कॉन्टेक्स्ट, उस कैंडलस्टिक का कॉन्टेक्स्ट क्या, वो कैंडलस्टिक कहाँ पर बन रही है, उस कैंडलस्टिक से प्रीवियस मूवमेंट क्या था। जैसे मान लो अगर मार्केट गिर रहा है
गिरते मार्केट में एक शूटिंग स्टार बनता है तो ये उतना अच्छा सिग्नल नहीं होता, मार्केट तो पहले से ही गिर रहा है, ये आगे भी गिरते रहेगा। लेकिन अगर बढ़ता मार्केट में शूटिंग स्टार बन जाए, तो ऐसी कोई कैंडलस्टिक बन जाए, तो वहां पे हमें रिवर्सल का सिग्नल मिलता है। तो उसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट मायने करता है। तो कभी भी आप कैंडलस्टिक को स्टडी करो ना, उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से स्टडी करो। कॉन्टेक्स्ट मतलब वो कैंडल कहाँ पर बनी है, उस कैंडल की पोजीशन क्या है, ये सबसे पहले आपको देखना है। और उस कैंडल से प्रायर मूवमेंट क्या था, मतलब वो कैंडलस्टिक बनने से पहले मार्केट कैसा मूव किया है। अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो मैंने अभी आपको एक हैमर का एग्जाम्पल लिया ना, वो एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है बेसिकली। यहाँ पे मार्केट, अगर देखो ये हैमर रेड बनी है, यहाँ पे ये हैमर रेड बनी है, मतलब उतनी आइडियल हैमर नहीं बनी है, इसको आप आइडियल नहीं कहोगे, बट कहीं ना कहीं क्योंकि नीचे की तरफ विक ज्यादा है, तो हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट में बायर्स आए हुए हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से क्या है कि इस कैंडल में हल्की फुल्की बाइंग हुई है। लेकिन ये कैंडल कब इफेक्टिव काम करती पता है, जब मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर रहा होता ना, तब शायद इस कैंडल पे हो सकता था आपको पैसा बन जाए। लेकिन यहाँ पर देखो, मार्केट ने थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट दिखाया, उसके बाद मार्केट स्लो हो गया। और कभी भी स्लो मार्केट्स में कैंडलस्टिक काम नहीं करती, खासकर ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर इस वीडियो में अच्छे व्यूज आए तो मैं आपको पार्ट टू बना के भी दे दूंगा, जिसमें हम छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे कि कौन से ट्रेंड में कौन सी कैंडलस्टिक काम करती है। क्योंकि तो खाली कैंडलस्टिक के नाम जानने से नहीं होता है ना, कि आपने नाम जान लिया आप उसको ट्रेड करने लगोगे, और दो तीन एग्जाम्पल्स तो हर कैंडलस्टिक के दिख जाते हैं, तो वो नहीं। आप चीज़ों को डीप में समझने की कोशिश करिए, मार्केट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। आई होप यहाँ पर मैंने कैंडलस्टिक रिलेटेड आपको कुछ नया बताया होगा, सिखाया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए, पार्ट टू चाहिए, तो अभी तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर बताएगा। दोस्तों, अगर आप मतलब ट्रेडर्स, अगर आप ऐसी चीज़ें और भी सीखना चाहते हैं, मतलब डिटेल में सब कुछ आपको सीखना, और आप कोई कोर्स ढूंढ रहे हो, तो आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आई विल रिकमेंड कि आप जाके चेकआउट ज़रूर करिए। देखिए, यहाँ पर आपको हमारा आत्मनिर्भर ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स देखने को मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी आपके लिए कूपन भी चल रहा है। कंटेंट्स में जाके अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने कैंडलस्टिक के ऊपर एक मॉड्यूल बना रखी है, जिसमें 12 वीडियोस हैं। तो अभी तो मैंने आपको बस ऊपर की नॉलेज दी, अगर आपको डिटेल में डीप में सारी चीज़ें जाननी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड लाइन, सारी चीज़ें से मनी मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, सब कुछ लेके, और मेरी सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्लस एक एडवांस ट्रेडिंग सिस्टम भी आपको मिलेगा इसमें इंडिकेटर बेस्ड, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया और उनमें मुझे बहुत बड़े बड़े चेंजेस नजर आ रहे हैं। मैं टेलीग्राम पे आपको अक्सर स्क्रीनशॉट्स भेजते रहता हूँ। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ बंद करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। जय श्री राम।